नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुकरेती आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स शिक्षक में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। गूगल का जैसे कि प्रोडक्ट है YouTube, तो आप अपने गूगल का ID लॉगिन कर लीजिए, Gmail अपना ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप अपने जो ये ऑप्शन है गूगल एप्लीकेशंस का, इस पर जाइए, YouTube को ओपन कीजिए। यूट्यूब को ओपन करने के बाद जो आपका पेज है वो कुछ इस तरह का खुलेगा। और फिर यहाँ पे जो ये सेगमेंट होता है इसमें जाके आप क्रिएटर स्टूडियो करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपका ये जो मेन पेज है वो कुछ ऐसे दिखने लगेगा। इसके बाद जो क्रिएटर स्टूडियो के बगल में है यूट्यूब सेटिंग्स, इस पर जाके आप क्लिक कीजिए। इसके बाद जो एक पेज ये ओवरव्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन से खुल जाएंगी। और फिर यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ न्यू चैनल, ये आपका एक चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या रखना चाहते हैं अपने ब्रांड का नेम, तो ये कोच वीर जी का अकाउंट खोल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनका एक यूट्यूब अकाउंट खोल दूं। इसके बाद इनके एक वीडियो भी मैंने एडिट किया है, वो भी मैं कुछ दिनों में पोस्ट करूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें कि वीडियो एडिटिंग का मैंने कुछ बताया हो। तो ये बता रहा हूँ कि कैसे पहले चैनल बनेगा। तो ये चैनल आपका बन गया है, यहाँ पे कस्टमाइज चैनल कर सकते हैं, अपलोड अ वीडियो कर सकते हैं। डायरेक्टली जो ऑप्शन आ रहा है तो अपलोड अ वीडियो हम कर ही देते हैं। यहाँ पे जो वीडियो मैंने खुद मैंने ही एडिट की है इनकी, यहाँ पे जाके कोच वीर वीडियो ये सेलेक्ट कर लिया हमने वीडियो, इसको अपलोडिंग के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। और फिर चलते हैं कि इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका चैनल होता है वो वेरीफाई कराना होता है। तो ये सेगमेंट्स हैं सारे, जो डैशबोर्ड है यहाँ पे स्टेटस एंड फीचर होते हैं, तो ये वेरीफाई कराइए आप जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है। तो इन्होंने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया है सबमिट करके। अब 6 डिजिट का इनके पास एक कोड जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो हो गया है वेरीफाई। इसके बाद जो नीचे के थोड़े ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। स्टेटस एंड फीचर में ये कॉपीराइट स्टेटस होता है। अगर आप इसमें यूट्यूब में आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी का भी कोई भी कॉपीराइटेड जो प्रोडक्ट है उसको ना लगाएं। जैसे कि IPL के मैच, ICC के मैच, कोई भी मैच हो, या किसी के भी चैनल का कुछ कंटेंट हो, कोई पिक्चर हो, कोई गाना हो, किसी के थ्रू डाला हुआ कोई वीडियो हो जिसको आप अपने वीडियो पे अपने सिस्टम अपने चैनल पे अपलोड कर दें, ये सब कॉपीराइट के अंडर में आता है। तो कॉपीराइट मतलब किसी का बनाया हुआ कोई भी चीज़ आप इसमें अपलोड ना करें, अपना ही प्रोडक्ट अपना ही कंटेंट जनरेट करें, उसी को अपलोड करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टेटस, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कोई अब्यूजिंग थिंग हो, सेक्सुअल प्रोडक्ट हो, अडल्ट प्रोडक्ट हो, तो ये सब चीज़ें डालने से आप बचें। इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का पूरा स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ सकते हैं जाके, मैं आपको अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ बहुत। और फिर यहाँ पे आपकी अपलोडिंग है वो अपलोड इनेबल हो चुकी है। मोनेटाइजेशन अभी इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जो तब भी मोनेटाइजेशन जो है अभी इनेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे व्यू टाइम, मतलब आपकी जो वीडियोज़ हैं वो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आपके सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए चैनल में विद इन अ ईयर, और 4000 घंटे मतलब 240000 मिनट आपकी वीडियोस को देख लें लोग, तो उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा एज पर द करंट गाइडलाइंस ऑफ YouTube। तो ये समय समय पे चेंज होती रहती हैं, हो सकता है कि 6 महीने बाद चेंज हो जाएं। तो अपनी आप मोनेटाइजेशन की जो आपकी गाइडलाइंस हैं उसको पढ़ लें। लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल नहीं है, इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए इनेबल कर दीजिए, तो आप इसके बाद लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं रेडी इन 24 आवर्स। इट टेक्स 24 घंटे लगेगा, उसके बाद ही हो जाएगा। फीचर्स हैं लॉन्गर वीडियोस, ये इनेबल हो गया। 15 मिनट तक के वीडियोस आप बना सकते हैं, 15 मिनट से बड़ी भी वीडियो बना सकते हैं। अनलिस्टेड एंड प्राइवेट वीडियोस, आप अपनी विश जो आपकी वीडियोस होती हैं उसको अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, तो उसको प्राइवेट और अनलिस्ट कर सकते हैं। कस्टम थंबनेल्स मतलब आप थंबनेल जो होता है आपकी जो ऑटोमेटिकली थंबनेल्स होते हैं, आप खुद की बना के कोई पिक्चर और उसको एडिट करके फोटोशॉप में या कहीं भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। एक्सटर्नल किसी और साइट के साथ मर्च, ये सब कर सकते हैं आप। सुपर चैट अभी आपकी होगी नहीं, सुपर चैट अभी इनेबल है। सुपर चैट मतलब आप अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, या सब्सक्राइबर्स या नॉन सब्सक्राइबर जो आपसे बात करना चाहते हैं उनके साथ सुपर चैट आपकी इनेबल हो जाती है, उनसे बात कर सकते हैं। ये खाली जब आप लाइव होते हैं तभी चलती है।
फीचर इज नॉट येट अवेलेबल इन चैनल कंट्री। अभी हमारी कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। कस्टम यूआरएल एक होता है कि जैसे कि अभी आपका जो यूआरएल है वो कुछ, जैसे मैं आपको दिखा दूँ आपके चैनल का यूआरएल क्या होगा, ये यूआरएल दिख रहा है, ये इनका यूआरएल है, तो इसको आप कस्टम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कोच वीर, तो ये अभी इनेबल नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद स्पॉन्सरशिप, ये सब अभी आपके मतलब इनिशियली इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका चैनल बन गया है, इनिशियल लेवल्स पे जो चाहिए चीज़ें वो बन गई हैं। तो आप यहाँ पे जाके अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप धीरे धीरे अपने ग्रेजुअली अपने चैनल को इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पे जाइए अपलोड पे और आपके जो भी वीडियोस हैं उसको अपलोड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो हो गई अपलोड, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया, उसके बाद सेव कर दिया। तो आप तीन चीज़ों का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें कि एक आपके जो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन है या टाइटल है उसको समझिए, वो ज़रूर डालना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन और टैगिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ। ये सेव कर दिया मैंने और ये आपकी वीडियो हो गई अब लाइव। अब इसको आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वीडियो अपलोड हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आपकी वीडियो है जो है वो बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप भी अपना चैनल को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वीडियो को कर सकते हैं लाइव। अगर आपके पास कोई भी एक्सपर्टीज़ है या कोई भी आपको लगता है कि स्किल्स हैं, तो आप उसको ज़रूर यूट्यूब पे दिखाइए, वो ज़रूर अप्रिशिएट की जाएगी यूट्यूबर्स के थ्रू। ग्लोबली ये बहुत लोग देखते हैं वीडियोज़ को, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी जो इंफॉर्मेशन उसको शेयर तो कर ही सकते हैं, अपने स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अर्न भी कर सकते हैं एक टाइम के बाद। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको आया पसंद तो इसे लाइक कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल टेक शिक्षक को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।